नमस्कार, निमत टुडे में आपका स्वागत है। आज निमत सीआरपीएफ से 1303 जवान देश को समर्पित हो गए। सीआरपीएफ में आज दीक्षांत समारोह था और दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए सीआरपीएफ के डीजी डायरेक्टर जनरल अनिल दयाल सिंह निमत पहुंचे। उन्होंने नौजवानों की भव्य परेड सलामी ली और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री दयाल ने कहा कि सीआरपीएफ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और सीआरपीएफ भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए अक्षुण कार्य कर रहा है, साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात है। सीआरपीएफ के पास देश की अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को सीआरपीएफ बखूबी निभा रहा है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के आरटीसी सेंटर से आज 1303 जवानों को 44 सप्ताह की बुनियादी ट्रेनिंग के बाद देश के लिए समर्पित कर दिया गया। करीब 5 राज्यों के ये जवान पिछले 1 वर्ष से नीमच में रहकर सीआरपीएफ के विभिन्न मापदंडों पर खड़े उतरे और आज पासिंग परेड में ये शपथ लेने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्य करेंगे। देखें केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र में आरटीसी द्वारा 1303 जवानों को 44 सप्ताह की बुनियादी ट्रेनिंग के बाद देश को समर्पित कर दिया गया। कठिन परीक्षाओं से दीक्षित हुए जवानों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अनिल दयाल सिंह बतौर मुख्य अतिथि नीमच पहुंचे। सीआरपीएफ के आरडीसी परेड ग्राउंड में श्री दयाल सिंह ने नव दीक्षित जवानों की परेड की सलामी ली और उन्हें मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अनिल दयाल सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और देश की अंदरूनी सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के पास है। देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सीआरपीएफ कार्य कर रहा है। जल, थल और वायुसेना के माध्यम से सीआरपीएफ देश की सुरक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल होने के साथ ही देश की अंदरूनी सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। इस आधार पर सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अनिल दयाल सिंह ने ट्रेनिंग के दौरान उत्कर्ष प्रदर्शन करने वाले 5 जवानों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया, साथ ही वीर शहीद की वीर नारियों को भी सम्मानित किया। आरटीसी के डीआईजी ब्रिगेडियर अनमोल सूद ने स्वागत भाषण दिया और डायरेक्टर जनरल को स्मृति चिन्ह भेंट किया। आरटीसी के कमांडेंट छुट्टन ठाकुर ने नव दीक्षित जवानों को शपथ दिलाई और साथ ही आभार व्यक्त किया। दीक्षांत समारोह को बता रहे हैं, कैसा लगा? बहुत उच्च कोटि की का प्रदर्शन था और जवानों को देख के 1300 जवान जो कि सीआरपीएफ ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनकी इतना उनको इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है और वो परेड के रूप में दिखाई दिया, तो एक विश्वास होता है देश के हित में कि जब ऐसे जवान इतनी अच्छी उत्कृष्ट ट्रेनिंग के साथ बल को ज्वाइन करेंगे तो जहाँ जहाँ भी ज्वाइन करेंगे, जो कि सीआरपीएफ डिप्लॉय होती है देश के कठिन इलाकों में जैसे मणिपुर है, नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर है, तो ये सब बच्चे वहाँ जाकर जो ऑलरेडी डिप्लॉयड लोग हैं उनके साथ जुड़ेंगे तो एक नई ऊर्जा के साथ जाएंगे, बल का भी बहुत मनोबल इससे बढ़ेगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा लगा आके ये देख के कि इसी के साथ पूरे देश में आजकल हमारे सब जगह ये दीक्षांत समारोह हो रहे हैं, तो लगभग 7000 लोग अगले 1-2 महीने के अंदर बल में जुड़ेंगे और इसी तरह के प्रशिक्षण के साथ जुड़ने से 100% बल को बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि ये जवान अपना कर्तव्य निभाएं, जो इन्होंने एक शपथ ली है उसके अनुरूप अपना कार्य करें और बल के मुखिया होने के नाते बल के सारे समस्त अधिकारियों की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि बल इनका पूरा ध्यान रखेगा और हर समय इनके साथ रहेगा, इन्हीं के साथ नहीं इनके परिवारों के साथ। धन्यवाद।